दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बड़ी खबर, आज रात से बढ़ेगी ठंड। पटना का 14 और गया का पारा 12.2 डिग्री तक पहुंचा। दिन में छाएंगे बादल और रात में गिरेगा तापमान। जी हां, अरब सागर में बन रहे मौसमी सिस्टम का असर बिहार में दिखाई दे रहा है। पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अब रात में ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपरी हिस्से में निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इससे बादलों का विस्तार देश के मैदानी हिस्से में भी हो रहा है। इस सिस्टम का प्रभाव बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य मैदानी हिस्से में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पटना, गया, नालंदा सहित बिहार के सभी हिस्से में आसमान पर हल्के बादल छाए हैं। हालांकि इस दौरान पछुआ हवा की रफ्तार में कमी हुई है, इससे दिन का तापमान तो स्थिर है लेकिन रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। इस दौरान आसमान पर कोहरा छाया रहेगा, साथ ही अब पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि मौसम शुष्क होने के साथ ही पहाड़ों पर होने वाले बर्फबारी की वजह से पश्चिम की तरफ से ठंड हवाएं बिहार में प्रवेश करेगी, जिससे मौसम सर्द होगा। हालांकि नवंबर के अंतिम सप्ताह में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से गलन वाली ठंड का एहसास होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब गाड़ी मालिकों को देना होगा शपथ पत्र, शराब की तस्करी नहीं करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्य भर में 26 नवंबर से परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान सभी गाड़ी मालिकों एवं ड्राइवर से शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह गाड़ी में शराब की तस्करी नहीं होने देंगे और कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। इस अभियान को राज्यव्यापी चलाया जाएगा और इसमें परिवहन विभाग के सभी अधिकारी लगेंगे। विभाग ने तय किया है कि बसों में सफर के दौरान यात्रियों को शराबबंदी के फायदे और शराब पीने से होने वाले नुकसान को गीत संगीत के जरिए बतलाया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए ऑडियो क्लिप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में नए वोटर जोड़ने के लिए कॉलेज में लगेंगे कैंप। जी हां, वोटर लिस्ट में नए वोटर को जोड़ने के लिए पटना जिले के विभिन्न कॉलेजों में कैंप लगाए जाएंगे। इसको लेकर चलाए जा रहे अभियान में महिला मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए खास तौर पर महिला कॉलेजों में ये कैंप लगाए जाएंगे। वहीं जिन मतदाताओं के नाम 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में है उनके नाम को काट दिया जाएगा। ये बातें बैठक में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कही है। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि। जी हां, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। पिछले वर्ष भी इसी तिथि से परीक्षाएं शुरू हुई थी। बिहार बोर्ड इंटर प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। वहीं कक्षा मैट्रिक के विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 से 22 जनवरी के बीच संपन्न होगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाएं 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 1:45 से शुरू होकर शाम 5 बजे तक खत्म होगी। पेपर 3 घंटे का होगा। 23 से 30 नवंबर तक बिहार में अनलॉक 9, 3 दिन पहले शादी की सूचना थाने को देनी होगी, गाइडलाइन भी जारी। जी हां, कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर बिहार सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच गाने और डीजे की अनुमति अभी भी नहीं दी गई है। विवाह की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाना को देनी होगी। 22 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक 8 से पूर्व आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। 23 से 30 नवंबर तक अनलॉक 9 प्रभावी होगा। कोरोना से बचाव के उपाय के साथ दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे। गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा, काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा।
टीका ले चुके ही व्यक्तियों को काम पर रखा जा सकता है। गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय में भी खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेगी। कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं। बड़ी खबर, स्टेट रैंकिंग में 13वें नंबर पर बिहार, जाने किस जिला को मिला बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड। जी हां, शनिवार को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार 13वें नंबर पर है। वहीं ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में देश भर के 659 जिलों में से गया को 290वां, सुपौल को 300वां, पटना को 313वां और मुजफ्फरपुर को 391वां स्थान मिला है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित कुल 121 अवार्ड में से पूर्वी क्षेत्र के एकमात्र बिहार के सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। सुपौल को यह अवार्ड 50,000 से 1,00,000 आबादी वाले कैटेगरी में मिला है। ODA प्लस वाले देश के 284 शहरों में बिहार के 24 शहर शामिल है। बीसीसीआई सचिव जय शाह का ऐलान, IPL 2022 के सभी मैच भारत में ही होंगे। कोरोना के कारण 2021 में आधे मैच UAE में खेले गए थे। जी हां, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने IPL के अगले सीजन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रीमियर लीग का 15वां सीजन भारत में खेला जाएगा। ने IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित द चैंपियंस कॉल कार्यक्रम में इस बात की पुष्टि की। अगली बड़ी खबर, वित्त विभाग ने दी हरी झंडी, 53,000 से अधिक स्टूडेंट को मिलेंगे 25,000 रुपये। जी हां, बिहार में स्नातक पास 53,600 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए शिक्षा के 134 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रोत्साहन राशि इन छात्राओं के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि सरकारी के साथ ही वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। वहीं वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण और मगध विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण तीनों विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कॉलेज की छात्राओं का सत्यापन नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण लगभग 2.25 लाख छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। पिछले महीने 14,400 छात्राओं को लगभग 35 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके पहले भी 11,000 से अधिक छात्राओं को राशि दी जा चुकी है। अब भी लगभग 2,00,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देना बाकी है। बड़ी खबर, आपकी शादी ब्याह की हर गतिविधि को कैमरे में कैद कराएगी बिहार सरकार, शराबबंदी के नाम पर लोगों की प्राइवेसी खत्म। जी हां, पटना में अगर आपने किसी मैरिज या बैंक्वेट हॉल में शादी ब्याह से लेकर कोई दूसरा पारिवारिक कार्यक्रम किया तो सरकार आपके निजी कार्यक्रम की हर गतिविधि को कैमरे में कैद कराएगी। थाने की पुलिस ही नहीं बल्कि SDO और DSP भी आपके निजी कार्यक्रम में आकर चेक करेंगे। शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार ने अब यह नया फरमान जारी किया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने कल सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया है। इस आदेश का पालन करने में जो पुलिस अधिकारी चुकेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें पटना ही नहीं बल्कि इस प्रमंडल के तहत आने वाले सभी बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल को अपने कैंपस में चारों ओर CCTV कैमरे लगाने होंगे। उन्हें पर्याप्त कैमरे लगाने होंगे जिससे शादी ब्याह या दूसरे पारिवारिक कार्यक्रम के हरकत की निगरानी हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरत पड़ने पर पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल सके। एक बार, होटल में मस्ती पड़ेगी भारी, शराब की जानकारी इस नंबर पर दे तो मिलेगा इनाम, पहचान रहेगी गुप्त। जी हां, शराबबंदी को लेकर CM नीतीश की अहम बैठक के बाद प्रशासन सख्त है। पटना में शराब का जमा छलकने की अब बोल भी किए तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। वरीय अधिकारी शराब के काले कारोबार और सेवन करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गए हैं। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने इसे लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शराब से जुड़े मामलों की जानकारी के लिए अब टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। लोगों को कहा गया है कि शराब की सूचना वो 1800-345-6268 पर दे। कोई भी व्यक्ति शराब से जुड़े मामलों की जानकारी दे सकता है। शिकायत करने वाले व्यक्तियों को केवल पहचान ही गुप्त नहीं रखी जाएगी बल्कि उन्हें इनाम भी दिया जाएगा।
पर अब बिजली बिल में गड़बड़ी है तो व्हाट्सएप पर करें शिकायत, इन नंबरों को कर ले सेव। जी हाँ, बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का 21 नवंबर से व्हाट्सएप से भी निपटारा होगा। इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अपने 11 विद्युत आपूर्ति अंचलों को सिम उपलब्ध करा दिया है। साथ ही अधिकचन विद्युत अभियंता को 10,000 मूल्य तक के एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीदने के लिए अधिकृत किया है। इन मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से मिली शिकायतों का निपटारा अधिकचन विद्युत अभियंता अपने स्तर पर करेंगे। इसके लिए वे संबंधित प्रमंडल व अवर प्रमंडल शाखा के पदाधिकारियों व कर्मियों का भी सहयोग लेंगे। व्हाट्सएप के लिए जो नंबर जारी किया गया उसमें पेशु पूर्वी के लिए 6287242960, पेशु पश्चिम के लिए 6287242961, पटना के लिए 6287242962, आरा के लिए 6287242963, सासाराम के लिए 6287242964, औरंगाबाद के लिए 6287242965, गया के लिए 6287242966, नालंदा के लिए 6287242967, मुंगेर के लिए 6287242968, जमुई के लिए 6287242969 और भागलपुर के लिए 6287242970 शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर, आईटीआई में एडमिशन 25 से 24 को अलॉटमेंट रिजल्ट। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के आधार पर एडमिशन के लिए गुरुवार को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो गई। आईटीआर कैट में सफल स्टूडेंट को 9 से 18 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग करनी थी। पहले राउंड के तहत अलॉटमेंट 24 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 से 30 नवंबर तक चलेगा। दूसरे राउंड के तहत सीट अलॉटमेंट 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा। सेकेंड राउंड के तहत एडमिशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 से 11 दिसंबर तक होगा। अगली बड़ी खबर, परिवहन मंत्री शीला मंडल का बड़ा बयान, बस किराए में केवल 20 से 25 पैसे की बढ़ोतरी। जी हां, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि राज्य में बस किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है, केवल 20 से 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश से वे काम से राज्य में पर्यावरण की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है, यहाँ करोड़ों पौधारोपण किया गया है। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान लागू किया गया है जिसकी चर्चा अन्य देशों में हो रही है। परिवहन मंत्री ने यह बातें प्रदेश जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कही है। बड़ी खबर, बिहार में जनवरी से जगमगाएंगे सभी वार्ड, पंचायत चुनाव के बाद होगा सर्वे, जाने क्या है नीतीश सरकार का प्लान। जी हां, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनवरी सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, हर वार्ड में 10 लाइट लगाने की योजना है, सूबे में 15 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, बिजली विभाग की निगरानी में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम होगा, एजेंसी को 5 साल तक मेंटेनेंस करना होगा, एजेंसी को लाइट लगाने के बाद 70% भुगतान किया जाएगा, हर लाइट बीमित होगा और आरएमएस के माध्यम से कहीं भी मॉनिटरिंग की जा सकती है, आरएमएस से पता चल जाएगा कि कहीं लाइट जल रही है कि नहीं, यह सोलर स्ट्रीट लाइट होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में दाखिल खारिज को लेकर नई व्यवस्था, सीओ के साथ राजस्व अधिकारी भी करेंगे म्यूटेशन। जी हां, बिहार सरकार राजस्व अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र बड़ा करने जा रही है। अंचल अधिकारियों के साथ साथ दाखिल खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन को लेकर नई व्यवस्था जल्दी लागू कर दी जाएगी। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा राजस्व अधिकारियों के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान खुद की है। मंत्री ने कहा कि हम अब राजस्व अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं। आज के लिए आपका सवाल, बताए कि आपके अनुसार अनलॉक 9 में डीजे बजाने और बारात में नाच गाने पर अनुमति देनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।